سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. صدق الله. کل جس سورت کی تفسیر بیان کی تھی اس کے بعد والی نیکسٹ اس کے بعد والی یہ سورت تبت یدا اس سورت کی تفسیر ہر تفسیر میں ملی لیکن یہ بات اذا جاء نصر اللہ کے بعد یہ سورت کیوں رکھی گئی یہ بات شاید آپ کو کسی تفسیر میں نہ ملے کیونکہ شارحین کرام نے ربط پر زیادہ محنت نہیں کی امت میں چند ہی حضرات بڑے گزرے ہیں جنہوں نے قرآن کے ربط پر محنت کی ہے عام طور پر مفسرین صورتوں کا آپس کا ربط آیتوں کا آپس کا ربط اور آیت کے اجزاء کا آپس کا ربط اس پر بحث محنت کرتے ہیں امت میں چند گنتی کے حضرات گزرے ہیں جنہوں نے اس پر محنتیں کی اس لیے میں نے کہا کہ تفسیر ہر تفسیر میں ملے اور اذا جاء نصر اللہ کے بعد یہ کیوں قرآن میں یہ کیوں یہاں رکھی گئی یہ بات کسی تفسیر میں مشکل سے ملے یہ بات آپ حضرات کو معلوم ہے اس کو شروع کرنے سے پہلے آج جو مسائل پیش آئے ہیں اس سلسلے میں دو مسئلے وضاحت کرنی ضروری ہے یورپ اور امریکہ میں کناڈا میں اور بر اعظم امریکہ کے اور دوسرے ملکوں میں بھی مسجدوں میں عورتیں نماز پڑھنے آتی ہیں سب میں نہیں آتی لیکن اکثر مسجدوں میں عورتیں نماز پڑھنے کے لیے آتی ہیں پانچ وقت کی نماز پڑھنے بھی آتی ہیں رمضان میں خاص طور پر تراویح پڑھنے کے لیے آتی ہیں
हमारी यहां एशिया में औरतें मस्जिदों में नहीं आती, अगर वहां औरतें आती होती एशिया में तो वहां से सही मसाइल यहां आते, क्योंकि दीन के सही मसाइल जानने वाले एशिया में हैं, कुरान और हदीस का फिका का मुकम्मल इल्म जानने वाले सब एशिया में है, यूरोप और अमरीका में नहीं है। ये बात बगैर बहस के मान लेनी चाहिए कि दीन का सही इल्म रखने वाले, पूरे कुरान पूरी हदीसें पूरी फिका के सही जानने वाले एशिया में है, यूरोप और अमरीका में नहीं है। ये बात बगैर बहस के मान लेनी चाहिए, वरने आप लोग जल्दी से मानने के लिए तैयार नहीं होंगे। हैं वो हमसे ज्यादा दीन क्यों जानते, हम ज्यादा जानते हैं। ये आप हजरात बहस करने के लिए तैयार हो जाएंगे, मगर मैं बहस के मूड में नहीं हूं। मैं अर्ज ये कर रहा हूं कि बगैर बहस के ये बात मान लेनी चाहिए। क्यों मान लेनी चाहिए? वो इस्लाम की पहली सदी से वहां दीन है, कुरान है, हदीसें हैं, फिका हैं, हजारों लाखों मदरसे हैं, और जो 1300 साल तक वहां दीन के पढ़ने पढ़ाने का सिलसिला है। और आपके यूरोप में 50 साल से सिलसिला शुरू हुआ है, और आपके अमेरिका में तो अब ये कहना कि अमेरिका में सिलसिला शुरू हो गया है ये भी मुश्किल है। अभी ये कहना कि अमेरिका में दीन के पढ़ने पढ़ाने का सिलसिला जैसा चाहिए ऐसा शुरू हो गया, ये भी कहना मुश्किल है। अलबत्ता यूके में 50 साल से सिलसिला शुरू हुआ था, और अब कह सकते हैं कि वहां दीन के पढ़ने सही तरीके पर दीन के पढ़ने पढ़ाने का सिलसिला शुरू हो गया है। ये बर्तानिया के बारे में कह सकते, अभी अमरीका के बारे में नहीं कह सकते। पर जब नक्शा ये है तो जहां 1300 साल से कुरान पर हदीसों पर फिका पर उम्मत के मुस्लिमा के अहवाल पर 1300 साल से मेहनत हो रही है, वो दीन फहमी में यकीनन आगे बढ़े हुए होंगे यूरोप और अमरीका से। इसलिए मैंने कहा कि बगैर बहस के इस बात को मान लो। बस अगर वहां भी औरतें मस्जिदों में आती होती तो वहां से मसले यहां आते, क्योंकि आप अगर आज सब वहीं से आए तो वहीं से मसाइल सही मसाइल लेकर आते, मगर वहां तो औरतें मस्जिदों में आती नहीं। अब आप हजरात बर्तानिया में और अमरीका में आ गए और यहां आकर औरतें मस्जिदों में आने लगी तो मसाइल में गड़बड़ होने लगी, और दो मसलों में बहुत सख्त गड़बड़ है। वो दो मसले आज मुझे पहले शुरू में मैं बयान कर दूं, उसे समझो अच्छी तरह से, बगैर समझे आगे नकल न करो। एक मसला तो ये है कि औरतें अगर जमात में आती हैं तो जरूरी है कि इमाम की नकल व हरकत का औरतों को पता चले और जमात की नकल व हरकत का औरतों को पता चले। अब आपने औरतों को ऊपर कर दिया, अब बिचारी औरतों को कुछ पता नहीं है कि नीचे क्या हो रहा है। पहले इमाम साहब ने एक रकात में एक ही सजदा किया और एक सजदा करके आगे खड़े हो गए, अब औरतें तो बिचारी बैठी होंगी दूसरा सजदा करने के लिए, उन्हें क्या पता कि इमाम साहब खड़े हो गए। अब जब इमाम साहब ने आगे अलहमदो शरीफ पढ़ना शुरू किया तो वो कंफ्यूज होंगे कि एक सजदा तो हुआ दूसरा सजदा तो हुआ ही नहीं, और ये क्या पढ़ रहे, वो बिचारी परेशान हो गई होंगी, पता नहीं उन्होंने क्या किया हो। खैर इमाम साहब ने दो रकातें खत्म की, अब हमने इमाम साहब को समझाया कि देखो हर रकात में दो सजदे फर्ज हैं, एक सजदा रह गया तो फर्ज बातिल हो गया, वो शुफा खत्म हो गया, और उसमें जो कुरान पढ़ा गया है वो सारा दोबारा लौटाना है, और ये दो रकातें कलादम गोया है पढ़ी नहीं, अब दोबारा वो पढ़ा जा रहा है, ये हमने खुशफुस खुशफुस आपस में कर लिया, ऊपर औरतों को तो पता ही नहीं कि क्या नीचे खुशफुस खुशफुस हुआ।
अब बिचारी अगले दो रकातें खड़े हुए, अब वो बिचारी खड़ी हुई, उन्हें कुछ पता नहीं है कि क्या हो रहा है नीचे। अब वो दूसरी दो रकातें पढ़ी, खैर दो रकातें पढ़ ली, उन्होंने भी पढ़ ली। अब फिर मसला ये आया कि एक रुकी रकात की फिरात रह गई थी, वो फिर लौटाओ उसे, इमाम को अपनी चार रकातों का जितना उसे पूरा करना उसमें सजदे तिलावत है। अब दूसरी रकात में इमाम ने सजदे तिलावत किया। हमारे यहाँ मर्दों को पता नहीं कि सजदे तिलावत हुआ, वो समझे सजदे सब होती है। नमाज के बाद सवाल हुआ चूचू मैम वक्त भी कैसा सजदा हुआ, तो जब मर्दों के विचारों को पता नहीं तो ऊपर औरतों को क्या पता होगा कि सजदा कैसा हुआ। तो अब वो जब इमाम साहब सजदे तिलावत में गए तो बिचारी सब रुकू में गई होंगी, वो रुकू में पड़ी होंगी, फिर इमाम साहब ने सजदे सर उठाकर पढ़ना शुरू कर दिया तो खड़ी हो गई कि क्या हुआ। यकीनन सारी नमाज खराब हो गई औरतों की, हालांकि चाहिए ये था कि जब दो रकात में गड़बड़ हुई तो वाजह तौर पर तमाम मर्दों को और तमाम औरतों को ये समझाया जाता कि देखो नमाज में ये गड़बड़ हुई है और ये दो रकातें कल अदम है, अब ये दो रकातें फिर पढ़ी जा रही हैं। मर्दों को भी और मर्दों से ज्यादा औरतों को ये बात समझाई जाती तो औरतें समझ जाती कि हमारी ये दो रकात कंदम गई और अब दो रकात फिर पढ़ी जाती। फिर उसके बाद में जब दो रकात पढ़ी तो फिर उनको ये समझाया जाता कि देखो दूसरी रकात में सजदे तिलावत होगा। उनको बेचारों को मर्दों को ही नहीं मालूम है, उनको भी नहीं मालूम, इमाम साहब ऐसे हड़बड़ा गए कि घबरा गए और उन्होंने ऐलान ही नहीं किया। इसलिए मैं नहीं जानता हूं कि ऊपर औरतों की नमाज का क्या हुआ, अल्लाह जाने क्या हुआ। तो ठीक है तरावी का मसला है, नफल नमाज है, अगर उनकी नमाज गड़बड़ भी हुई है कोई बात नहीं, लेकिन अगर फर्ज नमाज हो या वाजिब नमाज हो और ऐसी गड़बड़ हो जाए तो सारों की नमाज भी सारों की जाएगी। तो मसला किताबों में ये लिखा था कि औरतों के लिए जरूरी है कि अगर औरतें मस्जिद में नमाजियों के साथ पीछे औरतें हैं तो इमाम के अहवाल का उनको इल्म होना चाहिए, चाहे मुकब्बिरों के जरिए से इल्म हो चाहे लाउडस्पीकर के जरिए से इल्म हो, और औरतों के सामने जो जमात मर्दों की है उनके अहवाल औरतों से मखफी नहीं होने चाहिए, औरतें देख सकें कि मर्द इस हाल में है। आप मक्के में चले जाइए, हरम मक्की में जगह जगह औरतों का हिस्सा है घेरा हुआ और जालियों में घेरा है, सुनहरी जालियों के अंदर वो सारा घेरा हुआ है। अगर आप जाली के करीब भी खड़े रहेंगे तो आप अंदर औरतों को नहीं देख सकते, लेकिन अगर जाली के करीब औरतें हैं इधर या सामने तो उनको मर्दों की सारी हालत का पता चलता है। मेरी अहलिया रहमतुल्लाह अलैहा जब मैं उनके साथ हज को जाता था तो मैंने उनसे पूछा है, वो उसी में एरिया में नमाज पढ़ने जाती थी, तो मैं उनसे मैंने मालूम किया है कि तुम अंदर औरतें नमाज पढ़ती हो तो सामने दाएं बाएं मर्द जो नमाज पढ़ते हैं उसकी हालत का तुम्हें पता चलता है, उन्होंने चलता है। हम ये तो नहीं पहचान सकते कि ये जैद दिख रहा है, यूं जैद दिख रहा है, ऐसा तो नहीं पहचान सकते, लेकिन ऐसा मालूम होता है कि ये खड़ा है, ये रुकू में है, ये सजदे में है, वो नजर आता है और बाहर से कुछ नजर नहीं आता। मस्जिद नबवी में चले जाओ, वहां भी जालियों से औरतों का हिस्सा घिरा हुआ है, मर्दों की तरफ आप खड़े रहकर अंदाजा करना चाहे अंदर कनखियों से देखकर औरतों को अंदाजा नहीं देख सकेंगे, और औरतें अंदर से मर्दों का हाल देखती हैं कि मर्द खड़े हैं या रुकू में हैं या सजदे में हैं, पार्टिक्यूलर किसी आदमी को वो नहीं पहचान सकते, लेकिन मजमूई जमात का हाल उनको पता चलता है। ये मक्का और मदीना में ये है, वो क्यों है, ये जरूरी है कि औरतें अगर जमात में हैं तो औरतों को तकबीरात का इल्म होना चाहिए तो आसान हो गया, लाउडस्पीकर से हर जगह तकबीरात का इल्म होता है, लेकिन ये भी जरूरी है कि औरतों के लिए मर्दों की हालत भी वाजे हो। यहां फर्ज करो कि यहां ऐसी जाली के साथ औरतें पीछे हैं तो जब मर्द खड़े होंगे वो भी खड़ी हो जाएंगे, मर्द बैठ जाएंगे वो भी बैठ जाएंगे,
जब सजदे तिलावत हुआ और सब रुकू सजदे में चले गए तो अर्थ भी सजदे में चली जाएंगे। लोगों ने इसका इलाज क्या निकाला, लोगों ने इसका इलाज निकाला कि औरतों की तरफ डिस्प्ले लगाया जाए पड़ा और इमाम साहब के सामने कैमेरा हो, लिहाजा यहां से नमाज औरतों के सामने डिस्प्ले हो। ये यूरोप और अमरीका के लोगों ने इसका इलाज सोचा है और कई जगह लोगों ने इमाम साहब के सामने कैमरा लग रहा है, औरतों के सामने बिल्कुल बंद है, ऊपर डिस्प्ले लगा हुआ है और यहां से नमाज के इमाम साहब को देख रहे हैं। डिस्प्ले पे जो उस प्लेट के सामने जो औरतें खड़ी हैं वो ही देखेंगी और वो भी रोकू की जगह देखेंगे या डिस्प्ले में देखेंगे, और जो दाएं बाएं बिचारी खड़ी हैं वो कहां दिखेंगी, उनको तो यूं देखना पड़ेगा कि इमाम साहब की हालत में। और अब तक एशिया के सारे मुफ्ती, पाकिस्तान के मुफ्ती हों, इंडिया के मुफ्ती हों, बांग्लादेश के मुफ्ती हों, बर्मा के मुफ्ती हों, अफगानिस्तान के मुफ्ती हों, एशिया के सारे मुफ्ती ये कहते हैं बेजरूरत फोटो हराम। और लोग फतवे ये चल रहे हैं और लोग जमात में इमाम के सामने कैमरा और ऊपर डिस्प्ले है और इमाम सवाल कह रहे हैं और कैमरे से डिस्प्ले है और औरतें फोटो देख रही हैं और तकरीर सुन रही हैं। फतवे ये चल रहे हैं, अमल उम्मत का ये हो रहा है। तो ये जो तरीका निकाला ये भी गलत है। ये दूसरा तरीका कुछ लोगों ने सोचा वो भी गलत है। ऐसा शीशा लगाओ औरतें उसके पीछे हैं कि औरतों को मर्द नजर आ रहे हैं, मर्दों को औरतें नजर नहीं आ रही। ऐसे शीशे तो बहुत आसानी से गाड़ियों में भी ऐसे शीशे लगते हैं, पार्टीशन कर दिए और पार्टीशन में ऐसे शीशे हैं कि औरतों को सब मर्द नजर आते हैं, मर्दों को औरतें नजर नहीं आती। ये भी गलत है, क्योंकि जब जैसा मर्दों के लिए औरतों को देखना हराम है, औरतों के लिए मर्दों को देखना भी हराम है। जैसा मर्दों के लिए औरतों को देखना हराम है, औरतों के लिए मर्दों को देखना भी हराम है। सूरह नूर में है वकुल लिल मुमिनीना यगुद्दू मिन अबसारिहिम वयहफ़ज़ू फ़ुरूजहुम, फिर आगे वकुल लिल मुमिनाति यगुद्दू मिन अबसारिहिम वयहफ़ज़ू फ़ुरूजहुम। आप मर्दों से कहिए कि निगाहें नीची रखें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें, नजरें लड़ेंगी तो शर्मगाह महफूज नहीं रहेगी। अगर शर्मगाह को महफूज रखना है तो नजरें नीची रखो। औरतों से कहिए क्या वो अपनी निगाहें महफूज रखें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें, अगर औरतें नजरें लड़ाएंगी तो उनकी शर्मगाह महफूज नहीं रहेगी। तो दो आयतों में दोनों को ही हुक्म है। बस जब आपने ऐसा इंतजाम किया कि मर्दों को औरतें नजर नहीं आती, ठीक किया, लेकिन औरतों को तो सारे मर्द नजर आते हैं, तो औरतों के लिए भी तो देखना जायज नहीं। वो तो पूरा मर्दों का जो आगे सेक्शन है वो पूरे सेक्शन में देखेंगे कौन लड़का कैसा गोरा है कौन काला है, तो सब देखती रहेंगी लड़कियां। लिहाजा ये जो तरीका है ये भी गलत। सही तरीका वही जो हरमैन शरीफ ने, यही हाल है। इस हाल के पीछे का दो सफरें जितनी औरतें मिसाल के तौर पर आती हैं उनका पार्टीशन कर दो बीच में, उसका इंटरेंस अलग से रखो, वजू खाना गुसल खाना उनका इधर है, वहीं से दाखिल हों और आकर के नमाज पढ़े, मर्द इधर से दाखिल होकर यहां। और पार्टीशन हरम शरीफ जैसा है कि औरतों की तरफ से औरतों को मर्दों के आह्वान का पता चलेगा और मर्द औरतों को नहीं पहचान सकेंगे, जालिया इस अंदाज के टेढ़े सुराख रखे कि मर्दों की तरफ से नजर नहीं आएगा, औरतों की तरफ से सब महसूस होगा। कि मर्दों का मजमूई हालत यह है कि लोग खड़े हैं, रुकू में हैं, सजदे में हैं, ये पता चल जाता। एक दूसरा मसला है पर्दा, हिजाब। हिजाब जरूरी फर्ज है, वाजिब है, कुरान करीम में हिजाब का हुक्म।
लेकिन हिजाब के मसले में इतना टाइट हो जाना कि औरतों की बेचारों की नमाजें खराब हो जाए, ये कौन सा तरीका है? देखो नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के जमाने के अहवाल सामने रखो, हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के जमाने में मस्जिद नबवी में जहां मर्दों की सफें खत्म होती थी, उसके बाद एक आध सब छोड़कर, मुझे नहीं मालूम, उसके बाद फौरन औरतों की सफें शुरू हो जाती थी और बीच में कोई पार्टीशन नहीं था। इसीलिए हुजूर ने औरतों को यह हुक्म दिया था कि जब सजदे से इमाम सर उठाए तो औरतें सर देर से उठाएं, पहले मर्द जब सजदे से सर उठा लें तब तो औरतें सर उठाएं। क्यों? मर्दों के पास एक ही कपड़ा है, लुंगी, और जब वो सिर्फ लुंगी पहनकर नमाज पढ़ेंगे तो सूरत हाल सजदे में क्या होगी? वही होगी जो आप बनियान और पतलून पहनकर नमाज पढ़ते हैं। आप हजरात बनियान और पतलून पहनकर नमाज पढ़ते हैं तो आधे नंगे होते हैं, तो जब मर्द सिर्फ लुंगी पहनकर नमाज पढ़ेंगे तो वह नंगे हैं। अब मर्दों से कहें कुर्ता पहनकर आओ, बेचारों को कैसे नहीं, तो कहां से कपड़ा लाएंगे? तो औरतों को यह हुक्म दिया गया कि वो सजदे से सर देर में उठाएं, पहले मर्द सर उठाकर बैठ जाएं तब औरतें सर उठाएं। इस हदीस से क्या मालूम हुआ कि मर्दों और औरतों के दरमियान में कोई पर्दा नहीं था। पर्दा होता तो इसकी कोई जरूरत ही नहीं। दूसरी हदीस ये है, नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मर्दों की बदतरीन सब आखिरी सब है और औरतों की बदतरीन सब पहली सब। उलमा ने इस पर क्यों, और ये बदतरीन क्यों है? कहा और मर्दों की बदतरीन सब आखिरी इसलिए है कि औरतों से मिली करीब है, और औरतों की पहली सब बदतरीन है इसलिए वो मर्दों से करीब है। अगर बीच में पार्टीशन है तो ये मसला ही खत्म हो गया। कुछ लोग थे वो देर से आते थे ताकि मर्दों की आखिरी सब में नमाज पढ़ें और पीछे औरतें देखें उनको, और कुछ औरतें थी जो जल्दी आती थी पहली सब में नमाज पढ़ें ताकि उनको मर्दों को देखने का मौका मिले। आज जो आयत पढ़ी है, वलकद अलिमनल मुस्तकदिमीन मिनकुम वल मुस्ताखिरीन, सूरह हिज्र के दूसरे रुकू में ये आयत आई है, इस आयत का शान नुज़ूल यही बताया है। अल्लाह ने फरमाया कि हमें मालूम है जो तुम में से पीछे रहते हैं और जो तुम में से आगे बढ़ते हैं, हम पीछे रहने वालों को भी जानते हैं आगे बढ़ने वालों को भी जानते हैं। इस आयत की तफसील में ये वाकया है कि कुछ मर्द बिलकस्द देर से आते थे पिछली सब में ताकि औरतें उनको देखें, और कुछ औरतें जल्दी आती थी पहली सब में ताकि मर्दों को देखें, उस पर यह आयत नाज़िल। मुझे तो इन सब रिवायतों से यह बतलाना है कि उस जमाने में कोई पार्टीशन नहीं था, औरतें अपना चादरा बुरका ओढ़ कर आ रही हैं, वो अपने हिजाब में हैं, वो मर्दों के पीछे अपनी सफों में नमाज पढ़ रही हैं, और बिलकस्द न औरतें मर्दों को नहीं देखते, इत्तिफाकन नजर पड़ जाए तो अलग बात। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का तरीका तो ये था, इंट्रेंस अलग, आने जाने का औरतों का रास्ता अलग, मर्दों का रास्ता अलग। जैसे आज भी मस्जिद नबवी में यही है, मक्का में भी औरतों के दरवाजे अलग हैं, मर्दों के दरवाजे अलग हैं, औरतों के दरवाजों से मर्द नहीं जा सकते, मर्दों के दरवाजे से औरतें चली जाती हैं, लेकिन औरतों के दरवाजे से मर्द नहीं जा सकते। तो ये इंतजाम है, लेकिन एक पढ़ती हैं, पढ़ती थी हुजूर के जमाने में औरतें इसी तरह से नमाज पढ़ती थी। अब हमने हिजाब को तो इतना टाइट कर दिया कि भनक भी न पड़े मर्दों की औरतों को, औरतों की मर्दों को, और फिर मस्जिद से निकली तो सड़क पर कोई हिजाब नहीं है, महल्ले में कोई हिजाब नहीं है, दुकानों में कोई हिजाब नहीं है, और मस्जिद में आ गए तो इतना हिजाब हो गया कि नमाजें भी औरतों की खराब। मेरे भाइयों, मैंने जो असल बात कही है कि एशिया में औरतें मस्जिदों में नहीं आती, अगर वहां औरतें मस्जिदों में आती तो औरतों के नमाज पढ़ने के क्या तरीके हैं, वहां सही अमल होता और वो सही अमल वहां से यहां से आप इम्पोर्ट करते, मगर वहां तो आती नहीं।
सही मसले तो आप लोग जानते नहीं, और औरतों को मस्जिद में लाए और हिजाब का मसला इतना टाइट कर दिया कि दूसरे मसलों से तवज्जो हट गई और औरतों को आवाज तो पहुंचती है, इमाम की आवाज तो पहुंचती है, लेकिन जमात की नकलो हरकत का उन्हें पता नहीं चलता। अब हमारी फिका में दो राय है, एक राय ये है कि अगर इमाम की आवाज पहुंच रही है तो चाहे इमाम की नकलो हरकत मुक्त जमात की नकलो हरकत का उन्हें इल्म हो या न हो, इब्तिदा दुरुस्त है, एक राय ये है। और इसी राय पर सब हो रहा है और हम कोई तनकीद भी नहीं करते, लेकिन दूसरी राय हमारी फिका में है कि सिर्फ इतनी बात काफी नहीं है, मर्दों के लिए भी और औरतों के लिए भी इमाम के इंतकालात का इल्म होना चाहिए और आगे के मुक्तदियों की नकलो हरकत का पता चले। ये दीवार है, ये दीवार बिल्कुल पैक है, इसके पीछे सफ लगी हुई, यहां सफ है वहां तक है, और उसके पीछे सफ है मर्दों की, इब्तिदा दुरुस्त नहीं। क्यों? वो जो दीवार के उस तरफ मर्द हैं उनको आवाज चाहे पहुंच रही हो, आवाज तो मक्का की आवाज न्यूयॉर्क में भी आती है, आवाज चाहे पहुंच रही हो लेकिन दीवार के उस पीछे जो है उन लोग आगे की जमात की नकलो हरकत का उनको इल्म नहीं होता, लिहाजा उनकी इब्तिदा पीछे सही नहीं होगी। मर्दों की, जब मर्दों की सही नहीं होगी तो औरतों की कहां से सही होगी? ये दूसरी राय है, मगर कोई इस राय पर अमल ही नहीं करता। ऐसे जब वाकियात पेश आते हैं तब पता चलता है कि ये राय माकूल है, बिला वजह नामाकूल राय नहीं है, इसकी बड़ी अहमियत इस राय की। ऐसे जब वाकियात पेश आते हैं तो पता चलता है। एक दूसरा मसला जो बहुत औरतों के ताल्लुक से बहुत गड़बड़ हो रही है इन मुल्कों में, वो ये है कि मस्जिद शर्की या मस्जिद उर्फी, उसमें इमाम के दरमियान और मुक्तदियों के दरमियान या मुक्तदियों की एक सब के दरमियान और दूसरी सब के दरमियान में अगर फासला हो जाए तो कितना भी फासला हो इब्तिदा के लिए माने नहीं। मस्जिद शरी तो आप जानते हैं, मस्जिद उर्फी ये हमारे भाई अकील ने ये बिल्डिंग खरीद करके एक मस्जिद है वो बनाई है, मस्जिद शरी अभी नहीं है, ये मस्जिद उर्फी है, मुसल्ला है, नमाज पढ़ते हैं सब, इसके लिए भी जो मस्जिद शरी का हुक्म है वही इसके लिए भी। इमाम साहब यहां है, एक सफ यहां है, और एक आदमी वो दीवार के करीब में खड़ा रहकर इब्तिदा करता है तो इब्तिदा दुरुस्त, इमाम है और एक सफ है बस, और यहां से वहां तक जगह खाली पड़ी और वहां दीवार के पास में एक आदमी दो आदमी खड़े होकर इब्तिदा करते हैं तो मस्जिद में दुरुस्त। मस्जिद शरई में और मस्जिद उर्फी में इमाम और मुक्तदियों के दरमियान या मुक्तदियों की एक सब के दरमियान और दूसरी सब के दरमियान में अगर फासला हो जाए तो वो कितना भी फासला हो इब्तिदा के लिए माने नहीं। लेकिन जब मस्जिद शरई न रहे, मस्जिद शरी से बाहर उस दीवार के उस तरफ, और उस दीवार में विंडो है, सब पता चलता है, जैसे ईद के मौके पर सफें आगे बढ़ जाती है, मस्जिद तो यहां तक है, अब ईद के मौके पर सफें, जुमा के मौके पर सफें आगे हो गई तो फिर अब मसाइल शुरू होते हैं। अगर दरमियान में नहर चल रही है जिसमें बोट चले, छोटी कश्ती बो चले, ऐसी नहर फासिल है और उसके उस तरफ मुक्तदी है तो उनकी इब्तिदा दुरुस्त नहीं है। बीच में रास्ता है, रोड है, उस पर ट्रैफिक चल रही है और उसके उस तरफ खड़े हुए इब्तिदा करें, उनकी इब्तिदा दुरुस्त नहीं है। हरम शरीफ में, मदीना में तो इसका नौबत ही नहीं है, हरम मक्के में जब भीड़ बहुत हो जाती है तो नमाज अजान से 15 मिनट पहले चारों तरफ से ट्रैफिक बंद, सब ट्रैफिक बंद हो जाती है, कोई नहीं गुजर सकता, अभी वहां सब रास्तों में समय लग जाता है, इसमें तो कोई है, लेकिन ट्रैफिक चल रही है और इमाम और मुक्तदी उधर हैं और दूसरे मुक्तदी इधर हैं तो इब्तिदा दुरुस्त नहीं है। और नहर भी नहीं है,
रास्ता भी नहीं है, तो दो या तीन सफों के बकदर फसल है तो फिर इब्तिदा दुरुस्त नहीं है। एक सफ का बीच में गैप हो, दो सफ का गैप हो तो इब्तिदा दुरुस्त, तीन सफ का गैप हो गया तो तीन सफ के उस तरफ जो खड़े हैं उनकी इब्तिदा दुरुस्त नहीं। ये सब मसाइल हैं। अभी मैं इसी मौके पर किसी मस्जिद में गया था, मुझे नाम वाम तो याद रहते नहीं, तो वहां लोगों ने मसला पूछा। एक मस्जिद है, उस मस्जिद के बाद पार्किंग लॉट है बहुत बड़ा, मेरे ख्याल से कम 40-50 यार्ड का पार्किंग लॉट है, उसके बाद उधर एक मकान है। तो मुझसे वो मसला पूछते हैं कि इस मकान में औरतें खड़ी रहे हैं और इस मस्जिद में इब्तिदा कर रहे हैं। अरे मैंने कहा अल्लाह के बंदो कुछ तो सोचो, यहां से इतने फासले पर कोई कैसे इब्तिदा हो जाएगी, और अगर यूं इब्तिदा है तो फिर मक्का की नमाज शुरू होती है, नमाज शुरू कर दो। इब्तिदा की सेहत के लिए जगह का इत्तेहाद जरूरी है, मकान एक जगह होनी चाहिए, इमाम मुक्तदियों की और मुक्तदियों और मुक्तदियों की एक जगह होनी चाहिए। अगर जगह डिफरेंट हो गई, मुख्तलिफ हो गई तो इब्तिदा दुरुस्त नहीं, और जगह एक होनी चाहिए, अलग अलग नहीं होनी चाहिए। उसके ये सब मसले खिताब हैं कि दरमियान में रोड है और रोड पर ट्रैफिक चल रही है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं तो इब्तिदा दुरुस्त नहीं है। दरमियान में नहर चल रही है जिसमें बोट चल सकती है, छोटी कश्ती चल सकती है, तो इब्तिदा दुरुस्त नहीं। जंगल है और बीच में तीन सफों का फासला है और तीन सफों का गैप पड़ा हुआ है, उसके उस तरफ खड़े होकर जो इब्तिदा करेंगे उनकी इब्तिदा दुरुस्त नहीं। टोरंटो में जिस मस्जिद में मैं रहता हूं, उस मस्जिद में मेहराब है, मेहराब के बाद में 4-5-6 सफे मर्द खड़े रहते, उसके बाद 4-5 सफे खाली रहते हैं, फिर उसके बाद में कांच की दीवार है, फिर पैसेज है, पैसेज भी तीन सफे हैं, फिर पैसेज के बाद इंट्रेंस है मर्दों का, उसमें मर्द आते रहते हैं आते रहते हैं, उसके बाद वो भी मेरे ख्याल से कम मैं 7-8 यार्ड का चौड़ा है, इतना इंट्रेंस है, मर्द आते हैं वुज़ू गुस्ल करते हैं, फिर उसके बाद कमरा है, उस कमरे में औरतें नमाज पढ़ती हैं, उनका इंट्रेंस पीछे है, मुझे तो मालूम ही नहीं कि औरतें यहां नमाज पढ़ती हैं। बहुत दिनों के बाद मुझे मालूम हुआ कि यहां औरतें नमाज पढ़ती हैं। मैंने कहा यहां औरतों की नमाज कहां हो, मस्जिद में जो 3-4 सफों का फासला है कोई, उस सबसे उसके बाद मुत्तसिलन ऑफिस है, फिर ऑफिस के बाद इंट्रेंस है, उसके बाद फिर जो कमरा है मदरसे का कमरा, उसमें औरतें नमाज पढ़ती और इमाम वहां पढ़ा रहा है, ये सही नहीं। मैंने उनसे कहा कि अगर तुम्हें औरतों को नमाज पढ़ानी है तो ये जो ऑफिस है ये औरतों की नमाज पढ़ने की जगह कर दो, क्योंकि मस्जिद में 4 सफे मर्द हैं और 4 सफे खाली हैं, कोई हर्ज नहीं। मस्जिद से मुत्तसिल ये औरतों का नमाज पढ़ने की जगह हो जाए, ये जो ऑफिस है इसमें नमाज पढ़े औरतें। मालूम नहीं उन्होंने ऐसा किया या नहीं किया, इसलिए कि इन मुल्कों में लोग बहुत हसास हैं, बहुत बेहिस हैं, अजीब मुतजाद सिफतें हैं इन मुल्कों में। इन मुल्कों में लोगों में हसासियत बहुत है, जरा जरा भी बात का धनक एहसास, और दीन का मामला आता है तो इतने बेहस हैं कि कह कह के थक जाओ, कोई उनको काम पर ड्यू नहीं लेंगे। अजीब गरीब इन मुल्कों का हाल, दुनिया के मामले में इतने हसास, और दीन का मामला है बस उनको निकाल देंगे, जो हो रहा है वो करते रहेंगे। तो मैं नहीं जानता हूं कि मैं जो समझा कर आया था उस पर अमल शुरू हुआ या नहीं हुआ है, उम्मीद तो मुझे नहीं है कि उन्होंने अमल शुरू किया, लेकिन हो सकता है कि बाकी मुझे उम्मीद कुछ नहीं है, क्योंकि मैं 30 साल से इन मुल्कों में भटक रहा हूं और इन मुल्कों के लोगों के मिजाजों से अहवाल से वाकिफ हो चुका हूं। दुनिया के मामले में निहायत हस्ता और दीन के मामले में निहायत बेहिस। इसलिए मेरे भाइयों इस मसले को भी समझो कि आप औरतों को नमाज पढ़ने की जो जगह रखेंगे अगर साइड पर है कोई हरज नहीं, तो पार्टीशन कर दिए, मगर ऐसा पार्टीशन कीजिए कि उनको पता चले मर्दों की हालत,
इस साइड पर है कोई हरज नहीं, मगर आप पार्टीशन कर दीजिए, ऐसा पार्टीशन कर दीजिए कि उनको मर्दों के अहवाल का इल्म हो। ऊपर है ऊपर रखिए, मगर ऊपर काफी जगह खोल दीजिए तो उनको ऊपर से पता चल जाए कि नीचे मर्दों का क्या हाल है। पीछे औरतें हैं तो बीच में ऐसा पार्टीशन रखिए कि औरतों को अंदाजा हो सके कि मर्दों का क्या है, और बीच में फासला हो तो मस्जिद में तो जितना भी फासला हो इब्तिदा के लिए माने नहीं है, मगर मस्जिद से मुत्तसिल अगर खारिज मस्जिद वो कम मकान में नमाज पढ़ रही है तो मस्जिद से मुत्तसिल होना चाहिए, और फासले पर वो अगर है तो फिर ये मसले हैं जो मैंने बताए। ये औरतों के ताल्लुक से आज जो सूरत हाल पेश आई उस एतबार से मैंने ये बात बयान की, गलती हमारी हुई इमाम साहब की, मेरी भी गलती, मुझे इमाम साहब को ये समझाना चाहिए था कि आप पूरी सूरत हाल इस तरह से वाजे करें कि ऊपर औरतें समझें, मगर मैं ये बात इमाम साहब से कहना भूल गया, मेरे जहन में नहीं आई और ये सूरत हाल हुई, अल्लाह जाने औरतों की नमाज किस तरह। उसके बाद मेरे भाइयों, मैंने पहले बतलाया था कि कुल या अय्युहल काफिरून बिल्कुल इस्लाम के इब्तिदाई जमाने में उतरी, जब मुसलमानों का हाथ नीचे था, मुखालिफिन का हाथ ऊपर था और मुसलमानों का हाथ ऐसा दबा हुआ था कि मुसलमानों के लिए मक्के में अपना वजूद ही बाकी रखना मुश्किल था। उस वक्त कुल या अय्युहल काफिरून नाजिल हुई थी, उसी जमाने में बल्कि हो सकता उससे भी पहले तब्बत यदा नाजिल हुई। इसका शान नुज़ूल ये बतलाया है कि जब ये आयत करीमा नाजिल हुई, वअंदिर अशीरतकल अक्रबीन, और डराइए आप अपने करीबी रिश्तेदारों को, डराइए यानी वो जो मूर्ति पूजा करते हैं, बुतों को पूजा करते हैं, गैरुल्लाह की बंदगी करते हैं, उन्हें वार्निंग दीजिए, उन्हें समझाइए तो वो उनको छोड़ें और अल्लाह ही की बंदगी करें, ये बात अपने करीब रिश्तेदारों को आप समझाइए। वंदिर अशीरतकल अक्रबीन, तो नबी ये बात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सफा पहाड़ी पर चढ़े। अब जब आप हज में जाते हैं तो सफा पहाड़ी बराए नाम है, एक निशानी के तौर पर थोड़े से पत्थर है, वो पहाड़ी थी पूरी और मस्जिद वस्जिद कुछ नहीं थी। और उस मस्जिद से और आप आगे चलेंगे तो जहां खुला मैदान खत्म होता है उसके करीब जाकर के दाएं हाथ पर नबी ये बात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का घर था, जहां हुजूर की विलादत हुई है, वहां इस वक्त एक लाइब्रेरी बनी हुई है जहां हुजूर का घर था, तो वहां से ये साफा करीब तरीन पहाड़ी है। तो हुजूर घर में से निकले और सफा पहाड़ी पर चढ़कर हुजूर ने सदा दी, या सबाहा, हाय सुबह के वक्त आने वाली मुसीबत। तो सारा मक्का हिल गया, अभी कौन आवाज लगा रखा है, मालूम हुआ कि मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला आवाज लगा रहे हैं, जिनको वो सच्चा अमानतदार हर खूबी का हामिल समझते थे। तो हर आदमी घर में से दौड़ पड़ा, तो भाई ये बंदा बड़ा अहम बंदा है, कभी झूठ नहीं बोल रहा, और ये आप आवाज सदा लगा रहा है, या सबा, हाय सुबह के वक्त आने वाली मुसीबत, जरूर कोई दुश्मन हमला करने के लिए तैयार खड़ा है जिसकी वार्निंग दे रहा है। वह बह सब भागे घरों में से निकलकर सफा पहाड़ी पर जमा हो। उस वक्त हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने तकरीर शुरू की है अपने खानदान के सामने, तो हुजूर का घर करीब है तो वही हुजूर के खानदान के भी घर है, कोई तो किसम हुजूर के रिश्तेदारी आए। हुजूर ने सवाल किया, बताओ अगर मैं आप लोगों से ये कहूं
कि इस पहाड़ी के पीछे दुश्मन का लश्कर तैयार खड़ा है जो तुम पर हमला करने ही वाला है, तो तुम मेरी बात मानोगे? तो सबने जवाब दिया, मां जर रब ना लेगा कभी बंद, हमने आपके बारे में कभी झूठ का तजर्बा नहीं किया है, अगर आप ये बात कहेंगे हम 100% मान लेंगे। तो हुजूर ने फरमाया, फिर सुनो, इस दुनिया की जिंदगी खत्म होते ही तुम जिस धर्म पर हो, अल्लाह को छोड़कर मूर्तियों की जो तुम पूजा कर रहे हो, इसका वबाल, ये दुनिया की जिंदगी खत्म होते ही वबाल आएगा और जहन्नम में जाओ। लिहाजा भी चांस है, दरवाजा पहाड़ी के पीछे दुश्मन खड़ा है, उससे पहले भागो, बचने के लिए भागो यहां से। तो मरने के बाद अगर जहन्नम से बचना है तो इसी दुनिया के अंदर अल्लाह की इबादत शुरू करो, गैरुल्लाह की इबादत छोड़ो। तो हुजूर का चचा था अबू लहब, उस कमबख्त ने ये जुमला कहा, तब्बल लकसा इरल यौम अलिहादा जमातना, दिन भर तेरा नाश रहे, तेरा नाश हो, तब्बल लकसा इरल यौम, दिन भर तेरा नाश रहे, क्या यही बात कहने के लिए तुझे तूने हमें पुकारा था? जो खानदान का लीडर ऐसी बात मुंह पर भरे मजमे में कह देगा तो फिर मजमे पर क्या असर होगा? कुछ भी असर नहीं होगा, तो कोई भी ईमान नहीं लाया वो सब उठ करके मुंतशिर हो गए, हुजूर अकेले खड़े रह गए। हुजूर को उम्मीद थी कि खानदान मुतवज्जो हो जाएगा दावत की तरफ और ईमान लाएगा, मगर अबू लहब ने रंग में भंग डाल दिया। और रंग में भंग नहीं डाला, इतनी भारी सख्त बद्दुआ दी कि इससे बड़ी बद्दुआ कोसना मुमकिन नहीं है। ये कहा, तब्बन लकसा इरल यौम, हमेशा जिंदगी भर तू तबाह हाल रहे। रिवायत में है कि नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को बहुत अफसोस है, क्यों फलान सारा मिशन फेल हो गया, खानदान का एक आदमी भी ईमान नहीं लाया, और क्यों नहीं लाया? उस खबीस ने ऐसी बात कही कि लोग उठ के चले गए। तो हुजूर पर गम का पहाड़ टूट पड़ा, उस पर ये सूरत नाजिल हुई, तब्बत यदा अबी लहब व तब, टूटे अबू लहब के दोनों हाथ। वही जो लफ्ज उसने इस्तेमाल किया था, तब्बन लकसा इरल यौम, वही लफ्ज नाजिल हुआ, तब्बत यदा अबी लहब, टूटे अबू लहब के दोनों हाथ, वह तब और वो नाश हो, वो हलाक हो। ये पेशिन गोई है, ये तो इस्लाम के बिल्कुल इब्तदाई दौर में है, अबू लहब का तो तोती बोलता है। उस वक्त कुरान ये कुछ पेशिन गोई कर रहा है कि एक वक्त आ रहा है कि अबू लहब के दोनों हाथ टूटेंगे और वो तबाह होगा। तब्बत यदा अबी लहब व तब, कैसे बात समझ में नहीं आती? अबू लहब के माना समझो, अबू माने वाला, बाप, बाप जाने अरबी में वाला के माने हैं, और लहब के माने हैं शोला भड़कता हुआ, लहब शोले वाला। अबू लहब को अबू लहब क्यों कहते थे? ये हुजूर का चचा है, हुजूर के 13 चचे थे, यानी बाप के साथ हुजूर के अब्बा थे अब्दुल्ला, उनके साथ मिलाकर 13 भाई थे, वो तो 12 चचा थे। एक तो हुजूर के वालिद हैं, एक तो चचा हैं 12, तो ये 13 लड़के थे अब्दुल मुत्तलिब के दादा के। उन 13 में सबसे बड़ा मालदार ये था, इसको अबू लहब क्यों कहते थे? लहब जब आग भड़काई जाती है, आग भड़कती है, लपटें उठती हैं, तो ये लपट है लहब, और अबू लहब माने लपटों वाला, इसको लपटों वाला क्यों कहते थे? मुफस्सिरीन ने कई वजहें लिखी हैं, उनमें से एक वजह ये लिखी है कि उसके पास गोल्ड, सोना
इतना था कि एक पूरा बड़ा मकान सोने से भरा पड़ा था। उस कमरे में आप दाखिल हों तो सोना सारा खुला रखा हुआ है, ढेर के ढेर रखे हुए हैं, तो ऐसा नजर आता है जैसे आग भड़क रही है कमरे में। तो अबू लहब लपटों वाला यानी इतने बड़े गोल्ड का मालिक, तो अगर इतना बड़ा गोल्ड है, इतना बड़ा सरमायादार है, इतना बड़ा मालदार है, तो उसके दोनों हाथ कैसे टूट जाएंगे और वो तबाह कैसे हो? गरीब आदमी हो, उसके हाथ टूट जाए, वो तबाह हो जाए तो अकल तो कबूल करती है। इतना बड़ा रिच मैन तबाह हो गया और उसके हाथ टूट गए, ये तो अकल कबूल नहीं करती। तो कुरान ने कहा तुम्हारी अकल कबूल करे या ना करे, सुन लो, मा अग़ना अन्हु मालुहु वमा कसब, उसका माल और उसका कमाया हुआ उसके कुछ काम नहीं आए। मा अग़ना अन्हु मालुहु, कुछ काम नहीं आएगा उसके उसका माल, वमा कसब, और जो कुछ वो कमा रहा है, ये कमाया हुआ और उसका माल, उसके कुछ काम नहीं आएगा और वो तबाह होगा, हाथ टूटेंगे उसके। कहते हैं कि बद्र की जंग में ये शरीक नहीं हुआ था, क्यों? बीमार था। जब बद्र की जंग हुई ये जिंदा था, मगर वो जंग में शरीक नहीं हुआ था, बीमार था। बद्र की जंग के बाद इसे प्लेग हो गया, ताऊन प्लेग में मर गया। अब कोई उसका खानदान, उसके लड़के थे, कोई उसके करीब नहीं आता, कोई दफन करने के लिए तैयार नहीं। जब लाश सड़कर बदबू आने लगी तो कुछ नौकर लाए, जो टांग पकड़कर घसीट करके मक्के से बाहर ले गए और एक खड्डे में डाल करके पत्थर और मिट्टी डाल के छुपा दिया उसको। ये उसके साथ सूरत हाल पेश आई है। अब मालूम हुआ कुरान ने कहा था कि उसका माल उसके कोई काम नहीं आने का, और जो वो कमाता है उसकी कमाई भी उसके कुछ काम नहीं आएगी। कुरान ने पेशीन गोई की है और 15 साल के बाद, इस सूरत के नुजूल के 15 साल के बाद में ठीक यही नक्शा पेश आया। तो उसका माल न काम आया, न उसकी कोई कमाई पेताई, प्लेग में मरा और कोई दफन करने वाला भी नहीं था, मजदूरों ने जाकर खड्डे में डालकर के छुपाया। प्लेग का भी असल अजीब डर है, प्लेग का भी अजीब डर है। अभी चंद सालों पहले सूरत में प्लेग आया, बस सारा हिंदुस्तान परेशान। हर हिंदुस्तान में जहां भी स्टेशन पर गाड़ी रुकी और पैसेंजर उतरे तो कहां से आ रहा है? अगर सूरत से उसकी टिकट है तो मुसीबत आ गई। उसके माँ बाप घर में नहीं घुसने देते थे, उसकी बीवी घर में नहीं घुसने देते। वो पहले वो हॉस्पिटल में जाएगा, चेकिंग होगी, प्लेग के जनाजे में तो लेकर नहीं है। अजीब तूफान था। और उसी सूरत में मुसलमान इत्मीनान से घूम रहा था, फिर रहा था, तो गैर मुस्लिमों ने मुंह पर बांधते हैं क्या, मास्क तो पहन रखा था, किसी मुसलमान ने मास्क नहीं पहना। इतना आराम से सूरत में घूम रहे थे। मेरे भाई वहां पढ़ाते, रामदेव में मेरे भाई पढ़ाते हैं, सूरत में मेरा लड़का रहता है फैमिली के साथ, इसलिए मुझे अहवाल मालूम। और 10 और 15 के बीच में मुसलमान उस प्लेग में सही शहीद हुए हैं और सैकड़ों गैर मुस्लिम मरे हैं। मुसलमान 10-15 उस पूरे प्लेग में मरे, अल्लाह जाने प्लेग से मरे या उनकी मौत का वक्त है। लेकिन ये प्लेग का हुआ ऐसा है, सऊदिया जैसे ने हिंदुस्तान से पलायन बंद कर दिया कि कोई जरासीम लेकर आ जाए। अब सऊदिया मुसलमान मुल्क है, वो इतने घबराए कि हिंदुस्तान से पलायन आएगा तो हो सकता है प्लेग के जरासीम आ जाए। हिंदुस्तान से पूरे पलायन ही बंद कर दिए सऊदिया। तो अब इसका इतना हुआ है तो ये प्लेग में मरा, तो प्लेग में मरा तो उसकी औलाद भी उसके करीब में आने के लिए तैयार नहीं, कोई रिश्तेदार करीब में आने के लिए तैयार नहीं। अब वो लाश सड़ रही है, बदबू आने शुरू हुई, तो मजदूरों को हायर किया और उन्होंने खींच करके खड्डे में डाल करके, दूर से पत्थर डाल करके उसको पत्थरों के अंदर खड्डे में दबा दिया। तो कुरान ने जो 15 साल पहले कहा था वो बात 15 साल के बाद सामने आई।
मा अगनान हु मालू अमा कसब, ये तो दुनिया में कुछ काम नहीं आया। सयसला नारं ज़ात लहब, अनकरीब दाखिल होगा वो भड़कती आग में। सयसला नारं, अनकरीब दाखिल होगा वो ऐसी आग में, ज़ात लहब इन भड़कने वाली, यानी दोज़ख की आग में अनकरीब वो दाखिल होगा। ये तो अगली मरने के बाद का हाल है, तो सब मोमिन जानते हैं। फिर कुरान ने कहा कि वो अबू लहब अकेला ही नहीं, उसकी बीवी उम्मे जमील भी उसके साथ जहन्नम में जाए। ये हुजूर की चची, उसका नाम था उम्मे जमील। और देखो, जो जितना ज्यादा मालदार होता है इतना ज्यादा बख्शी होता है। नाराज मत होना, नाराज मत होना, बगैर नाराज हो ये सुन लो, जो जितना बड़ा मालदार होता है इतना ज्यादा बख्शी होता है। क्यों? अगर वो बखीली न करे तो इतना बड़ा मालदार बने कैसे? अगर कुंडी में पानी आया और आगे निकल गया तो कुंडी कभी भरेगी ही नहीं। कुंडी भरेगी जब आगे बंद हो तो कुंडी भरेगी। ये देखो, फायदा कुल्लिया कुछ नहीं होता, फायदा कुल्लिया नहीं होते, वो उमूमी अहवाल होते हैं। अल्लाह के मालदार बंदे आज भी दुनिया में मस्जिदें कायम करते हैं, मदरसे कायम करते हैं, दीनी काम करते हैं, सब उन्हीं के बलबूते पर सब काम चल रहे हैं। मगर एक आम हाल मैं बताऊंगा, हर मालदार के बारे में नहीं कह रहा हूं। और खसीस होते हैं, जो जितना बड़ा मालदार होगा उसके घर में बैगन ही पकेगा। क्यों? कोई दूसरा कीमती चीज पकाए तो माल कम हो जाए। तो उसकी बीवी अबू लहब इतना बड़ा मालदार था, उसकी बीवी उम्मे जमील भी ऐसी खसीस कमी नहीं थी। जंगल में जाती थी, जलाने की लकड़ियां चुन चुन कर लाकर बेचती थी, और तकों में बेचने को टकेर जमा करती थी, और माल में इजाफा हो जाए। और कांटे भी लाती थी साथ में, और वो लाकर हुजूर के रास्ते में रात को अंधेरा होने के बाद डालती थी, ताकि रात में हुजूर निकले तो पैर में कांटे चुभे। क्योंकि उस जमाने में लोग जूते, पैरों में जूते नहीं पहनते, नंगे ही पैर चलते। तो कुरान ने कहा कि ये अकेला नहीं जाएगा जहन्नम, इसकी बीवी भी उसके साथ जाएगी। वम्रअतु, और इसकी बीवी हम्मालतल हतब, सोख्ता ढोने वाली। सोख्ता फारसी का लफ्ज है, उर्दू में इस्तेमाल होता है, जलाने की जो लकड़ी होती है उसे सोख्ता कहते हैं। फर्नीचर वगैरह की लकड़ी अलग, जो जलाने की लकड़ी है सोख्ता। तो कहा सोख्ता ढोने वाली, यानी उसका काम ही सुबह उठकर निकलती थी और जंगल में से लकड़ियां काट जलाने के काट काट कर गट्ठर लाती थी और बेचती थी, और फिर चंद टके ला करके पैसे बढ़ाती थी। तो कहा ये जो सोख्ता ढोने वाली है, उसकी बीवी, ये भी जहन्नम में जाए। सयसला नारं ज़ात लहब, अनकरीब ये भड़कती हुई आग में दाखिल होगा। वम्रअतुहु हम्मालतल लहब, फिर कुरान ने एक पेशीन गोई कहा, देखो जंगल में एक जंगली घास, उसे हम कहते हैं अपने यहां एशिया में कहते हैं मूंज, मीम वाव नून जीम और दो चश्मी हा, मूंज। ये जंगल की बेकार घास है। तो आमतौर पर लोग रस्सी लेकर खेत में जाएंगे, घास काट करके रस्सी में बांध कर लाएंगे, लेकिन गरीब लोग बेचारों के पास रस्सी नहीं है, तो वही जंगल में खुद रो ये मूंज होती है, उसे काट करके उसकी रस्सी बांध करके बनाएंगे और उसमें गट्ठर बांध कर लाएंगे। तो ये जो सोख्ता चुनने के लिए गया है, ये भी रस्सी अगर नहीं है तो यही जंगल में से मूंज काट करके उसकी रस्सी कट करके उसी में सोख्ता बांध कर लाएंगे, होता यही। तो कुरान ने पेशीन गोई की, जी देहा हब्लुम मिन मसद, उसकी गर्दन में मूंज की रस्सी। फी जी देहा हब्लुम मिन मसद, उसकी गर्दन में मूंज की रस्सी। अभी समझ में तो किसी का कुछ नहीं है,
उसकी गर्दन में मूंज की रस्सी। लेकिन हुआ ये कि अबू लहब तो मर गया, उसके मरने के बाद अभी उसकी बीवी जिंदा थी और यही धंधा करती थी, पैसे सोखता लाती थी, बेचती थी। एक दिन बड़ा गट्ठर सोखते का उठाकर आ रही थी और बैलेंस खराब हुआ, और बैलेंस खराब हुआ तो या तो गट्ठर आगे गिरा या पीछे गिरा। और जो वो रस्सी दो तीन जगह रस्सी बांधते हैं, मूंज की रस्सी दो तीन जगह थी, तो जब वो पीछे गिरा तो वो एक रस्सी इसके पीछे आई और ये भी फंसकर उसके पीछे गिरी और उसने मर गई। एक्सीडेंटली ऐसा ही हादसा हुआ। कुरान ने कहा था 15 साल पहले कि उसकी गर्दन में मूंज की रस्सी। हम उस वक्त तो कुछ समझ में नहीं आया कि उसकी गर्दन में मूंज की रस्सी उसकी शक्ल क्या बनेगी। वो शक्ल ये बनी, एक दिन बड़ा सा सोखते का गट्ठर लेकर आ रही थी, सर पे उठा कर, गट्ठर लंबा होता है, कम से कम 3 जगह से बांधते हैं, बीच में से, इधर से, इधर से, और जिसे उठाते हैं। अब उसने ऐसे जगह पर उठाया था कि रस्सी आगे है, अब वो बैलेंस रास्ते में कहीं बिगड़ा और कहीं ठोकर खाई और वो बैलेंस गट्ठर पीछे गिरा, तो वो जो मूंज की रस्सी थी वो नीचे आकर इसी गर्दन में यहां होकर ये भी उसके साथ गिरी और गला घूट करके मर गई। ये तो है इस सूरत की तफसीर। अब सुनो, ये कहा था उस वक्त जब मुसलमान का हाथ नीचे दबा हुआ था, कुफार का हाथ ऊपर था, कि आप कोई कंप्रोमाइज न कीजिए इनसे, साफ कह दीजिए लकुम दीनुकुम वलिया दीन, और कहा बहुत जल्द अल्लाह की मदद आएगी, मक्का फतह हो जाएगा, सारा अरब जोक जोक जूक जूक गिरोह गिरोह इस्लाम में आएगा। उस वक्त ये सवाल पैदा होता है कि ये बात कुरान जो कह रहा है अकल तो कबूल कर नहीं रही। मुसलमान मक्के में दबे हुए हैं, चंद आदमी हैं वहां से, मक्के से मुसलमान हर्षा हिजरत करके चले गए हैं, चंद आदमी हैं जो जुल्म और सितम की चक्की में पिस रहे हैं, इनका हाथ ऊपर हो जाएगा, इतना ऊपर हो जाएगा कि मक्का पता कर ले और सारा जजीरतुल अरब मुसलमान हो जाएगा। कैसे पागलपने की बात कर रहा है कुरान, ये कैसे हो जाएगा ऐसा? देखो इसकी नजीर, जजीरतुल अरब से लगवा दो सुपर पावर थे, ईरान और रूम, इनमें लड़ाई हुई थी, दो सुपर पावर थे उस जमाने के, उनमें लड़ाई हुई थी और रूम हार गए। हालांकि रूम बड़ा था, ईरान उसके एतबार से छोटा था, मगर रूम ईरान जीत गया, रूम हार गया। तो ईरान आग को पूछते थे तो मक्का वाले उसको अपनी पार्टी का समझते थे, और रूम वाले अहले किताब ईसाई थे, इंजिल मानने वाले थे, तो वो मुसलमानों की पार्टी के समझे जाते। तो जब ये नक्शा वहां पेश आया तो मक्के में मुश्रिकीन ने खूब उछल कूद की कि हमारी पार्टी जीती, हमारी पार्टी जीती, देखो मुसलमानों की पार्टी हारी, मुसलमानों की पार्टी हारी। अब चंद तो बेचारे मुसलमान हैं और चारों तरफ से लान तान शुरू हुआ, तो कुरान करीम ने आयतें नाजिल की, अलिफ लाम मीम गुलिबतिर रूम फी अदनल अर्द वहुम मिन बाद गलबिहिम सयगलिबून फी बिज़ई सिनीन लिल्लाहिल अम्रु मिन क़ब्ल व मिन बाद व यौमइज़िन यफ़रहुल मुमिनून बिनसरिल्लाह। कहा जजीरतुल अरब से लगवा जमीन में रूम हारा, गुलेबती रूम फी अदनल अर्द, मक्का मुकर्रमा से जजीरतुल अरब से लगे हुए लगवा जमीन में रूम हारा, और वो हारने के बाद चंद सालों में जीतेंगे, वहुम मिन बादे गलबिहिम सयग़लिबून फी बिज़ई गिदून का लफ्ज अरबी में आता है 3 से 9 तक के लिए, 3 से 9 तक का कोई भी अदद मुराद होता है। तो गोया 9 साल होते होते रूम फिर जीते, कैसे जीतेगा? अकल तो कबूल करती नहीं।
ईरान को मुकम्मल फतह हुई थी और रूम इतना हारा था कि पश्चिम दुनिया में भी उनके बादशाह के लिए सांस लेना मुश्किल हो गया। कुरान ने कहा लिल्लाहि अल-अम्रु मिन क़ब्ल व मिन बाद, पहले भी अल्लाह का इख्तियार था, अब भी अल्लाह का इख्तियार है, अल्लाह खबर दे रहे हैं रूम जीतेगा। और फरमाया उस दिन जिस दिन रूम जीतेगा उस दिन मुसलमान अल्लाह की मदद से खुश होंगे। यौमैदिन यफ़रहुल मुमिनून बिनसरिल्लाह यनसुरु मन यशा, अल्लाह जिसकी चाहते हैं मदद करें। ये आयत नाज़िल हुई, हजरत अबू बकर ने सीना तान कर मुशरिकीन के साथ गुफ्तगू की, कहा आओ बाजी लगाओ शर्त लगाओ। शर्त लगाई 7 साल की, 7 साल के अंदर जीतेंगे, 50 बकरियों की शर्त लगाई। वो हुजूर के पास आए, हुजूर ने फरमाया भाई तुमने 7 साल क्यों तय कर दिए, बिदून का लफ्ज तो 3 से 9 तक आता है, तुमने 7 की तख्सीस क्यों कर दी। तो वो गए हजरत अबू बकर गए और एक अभी 7 साल नहीं 9 साल, और बकरियां 50 नहीं 100 बकरियां। अगर 9 साल होते होते अगर रूम गालिब आ जाए तो तुम्हें 100 बकरियां मुझे देनी हो, और अगर 9 साल गुजर गए और रूम गालिब नहीं आया तो 100 बकरियां मैं तुम्हें दूं। उन्होंने मंजूर कर लिया, रकम बढ़ गई। खैर वो बात गई गुजरी हो गई, हिजरत करके सहाबा गए, हुजूर हिजरत करके गए। जिस यहां बद्र की जंग हो रही है और वहां फिर रूम और ईरान में जंग हो रही है, और रूम कामयाब हो, ईरान बुरी तरह हारा, और वो खबर आई मदीना में, इधर मदीना में खबर आई और इधर बद्र में से खबर आई कि मुसलमान जीते, इधर मुसलमान जीतने की खबर आई और उधर से रूम के जीतने की खबर आई, अब मुसलमानों को डबल खुश। तो जिस वक्त में ये कुरान ने ये बात नाजिल की, कोई तस्वूर नहीं कर सकता था कि रूम कैसे जीतेगा। इसी तरीके से जब कुरान करीम ने यह कहा कि मदद अल्लाह की मदद आने वाली है, मक्का फतह होने वाला है, सारा जजीरतुल अरब इस्लाम में दाखिल होने वाला है, तो लोगों ने कहा खे 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 खे, हंसे है कैसी बातें, पागलपने की बातें कर रहे। मक्का और मक्का के पावर और ताकत और उनका साजो सामान, मुसलमान मुट्ठी भर हैं, कैसे खो जाएंगे। कुरान ने कहा सब कुछ हो सकता है, देखो ये सबसे बड़ा मक्का का मालदार अबू लहब है, इसके दोनों हाथ टूटेंगे और ये तबाह हो, और इसका माल इसके कुछ काम नहीं आएगा, उसकी कमाई उसके कुछ काम नहीं आएगी, और ये जहन्नम में मरते ही जाएगा और उसकी बीवी भी जाएगी और दुनिया में इस तरीके से मूंज की रस्सी में गला घूंट कर मरेगी। ये एक आदमी का हशर सुनाया, यही हशर हर मालदार का हो, यही हशर हर मालदार का हुआ। चुनांचे इस आयत के इस सूरत के नुजूल के 20 साल के बाद जब नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम 10,000 सहाबा के साथ मक्का मुकर्रमा में दाखिल हुए हैं और मक्का फतह हुआ है, तो कोई मक्के में कोई एक काफिर नहीं था जो मुसलमान से नजरें मिला सके, किसी में नजरें मिलाने की हिम्मत नहीं थी। ये तो हुजूर ने पहले ऐलान कर दिया था कि जो घर में चला जाए, घर दरवाजा बंद कर ले वो महफूज है, जो हथियार नीचे रख दे सरेंडर हो जाए वो महफूज है, जो बैतुल्ला में चला जाए मस्जिद हराम में चला जाए वो महफूज है, जो अबू सुफियान के घर में चला जाए वो महफूज है। तो महफूज तो सब हो गए थे, लेकिन किसी मुसलमान से नजरें मिलाने की हिम्मत किसी में नहीं की। और जब हुजूर बैतुल्ला में गए, बैतुल्ला को मूर्तियों से पाक साफ किया, धोया, गुसल दिया, बाहर निकलकर चाबी का मसला आया और कुरान की आयत नाजिल हुई और चाबी बरदार को दी, और हुजूर ने काबा शरीफ की चौखट पर खड़े होकर पूरा हरम शरीफ मक्का से भरा पड़ा, घरों में लोग नहीं, हरम में घुसे हुए हैं, क्योंकि हरम का एहतराम है, यहां कोई मारेगा नहीं। हुजूर ने दरवाजे पर खड़े रहकर तकरीर फरमाई, फरमाया ऐ लोगों तुम क्या सोच रहे हो आज मैं तुम्हारे साथ क्या बर्ताव करूंगा। ये वो है जिन्होंने
20 साल से खून पिया है हुजूर का, आप इनसे पूछ रहे हैं लोगों क्या सोच रहे हो, मैं आज तुम्हारे साथ क्या बर्ताव करूंगा। बहुत अच्छा जवाब दिया उनके अकलमंदों ने, उनके अकलमंदों ने बहुत अच्छा जवाब दिया। उन्होंने कहा आप शरीफ भाई हैं और शरीफ भाई के बेटे हैं, यानी आपके अब्बा भी शरीफ थे, आप भी शरीफ थे। बहुत अच्छा जवाब दिया उन लोगों ने। तो हुजूर ने फरमाया अंतुम तलक तुलका ला तशरीफ अलैकुम अल्यौम, जाओ सबको माफ कर दिए। आइंदा मैं तुम्हें पिछली बातें जिक्र करके शर्मिंदा भी नहीं करूंगा, ऐसा बिल्कुल दिल में से निकाल दिया और माफ कर दिया। ला तशरीफ अलैकुम अल्यौम, आज के बाद कभी मैं पिछली बातें जिक्र करके तुम्हें शर्मिंदा भी नहीं करूंगा। तब उनके सर ऊंचे हुए हैं और तब उन्होंने आंखें हुजूर के साथ आंखें मिलाई हैं, उससे पहले उन्हें आंखें मिलाने की भी हिम्मत नहीं थी। इसलिए कुरान करीम ने इस सूरत के बाद ये सूरत रखी, तो फतह आ रही है, मक्का फतह होने वाला है, सारा जज़ीरतुल अरब मुसलमान होने वाला है और मुखालिफों की जो ताकत है वो सारी भारत होने वाली है। उनके ताकत मुखालिफिन के हाथ टूटेंगे, वो तबाह होंगे, उनके माल और दौलत उनके कुछ काम नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल अबू लहब के साथ जो मामला होना है वही सबके साथ होगा। वाखिर दावा नानी।